हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो देखते हैं आज आपके लिए शिव शक्ति का क्या मैसेज है, शिव शक्ति की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं शिव शक्ति आपको आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। गरुड़ जी के यहाँ पे देखिए, शिव शक्ति आपको यहाँ पे अपने लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आपको अपने इमोशनल जो इम्बैलेंस आपका हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपको अपने 7 चक्रास को क्लींस करना है। 7 चक्रा क्लींजिंग आपको करनी है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। आप 7 चक्रा क्लींजिंग आपको करनी है, अपने ऑरा को क्लींस करना है, ठीक है। शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि आपके ऑरा में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो इस वक्त रिलीज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपको बार बार आगे बढ़ने से रोक रही है, आपकी भक्ति में, आपके डिवोशन में बाधा बन रही है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको शिव शक्ति ने भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आपको हर तरीके से सुरक्षित किया हुआ है। बट आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आप भक्ति के मार्ग पर हैं, आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं। तो आपको यहाँ पे हर क्षण आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि जब आप यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर होते हैं, ईश्वर का आप जब भक्ति का आप प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हर क्षण आपको टेस्ट देने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर क्षण आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, यहाँ पे नेगेटिविटी भी आप पर अटैक कर सकती है, ठीक है, करती ही है, आपको डीमोटिवेट करती है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले तो अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, उसे ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ऑरा को लॉक कीजिए, ठीक है। ये सबसे पहला मैसेज यहाँ पे शिव शक्ति ने आपको दिया है। तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को ज़रूर याद रखिए और इसे फॉलो कीजिए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु द गोल्डन अवतार। तो यहाँ पे शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं, आप यहाँ पे नॉर्मल सोल्स नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे चोजन वंस हैं, आप यहाँ पे ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए लाए गए हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे बहुत ही बड़ा सोल पर्पस है, यहाँ पे ईश्वर की भक्ति को यहाँ पे जन जन तक फैलाने का, ठीक है। आप अपने अपने शुभ कर्मों से, अपनी नॉलेज से, अपनी वाणी से, किसी ना किसी तरीके से आप दूसरों को हील करने के लिए आए हैं, आप इस सोल पर्पस से आए हैं। तो यहाँ पे आप छोटी छोटी बातों से अपने आप को इम्पैक्ट करना बंद करें, अपने आप को परेशान करना बंद करें, ठीक है। कि उससे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, दिल पे ले रहे हैं चीज़ों को, लोगों की कही गई बातों को। आपको यहाँ पे डिटैचमेंट फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे साक्षी भाव में रहिए, कि यहाँ पे एक साक्षी भाव मतलब आपको इस तरीके से देखना है कि सब चीज़ें जो है ईश्वर करवा रहा है, ईश्वर का एक ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही हैं एक तरीके से ड्रामा चलता है ना, वो चल रहा है यहाँ पे। तो आपको ये इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ना है, अब डिटैचमेंट को फॉलो करते हुए, ठीक है। अपने क्योंकि आप यहाँ पे देखिए मैसेज भी यही लिखा है, लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी। आप यहाँ पे मानवता को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आए हैं, ईश्वर का प्रेम, असीम प्रेम यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं। और आपको ईश्वर के असीम प्रेम को दिखाने के लिए, कंपैशनेट नेचर को दिखाने के लिए ईश्वर ने चुना है, ठीक है। इस भक्ति के मार्ग के प्रचार प्रसार के लिए आपको चुना है, उसके लिए यहाँ पे आपको अपने ईश्वर से जुड़ना होगा जितना ज़्यादा हो सके। 3D की बातों में, 3D में जो भी लोग आपसे कहते हैं उन चीज़ों में ना उलझे, ठीक है। यहाँ पे आपको जितना हो सकता है अपने ईश्वर से जुड़े, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करें अपना, ठीक है। अपने ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रांग बनाए, उनका नाम जप करें ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे यमुना देवी गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन, कि शिव शक्ति जो है आपका प्योरिफिकेशन कर रहा है, आपके हार्ट का, आपके माइंड बॉडी सोल का प्योरिफिकेशन इस वक्त चल रहा है। और यही रीज़न है कि आप इस वक्त कभी लो कभी हाई कभी इस तरीके से फील करते हैं, कभी आपको हो सकता है मूड स्विंग्स भी हो रहे हों, मैंने भी 444 देखा है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये आपके आपको फर्स्ट कार्ड में ही कहा है कि आपको अपने ऑरा को क्लींस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने 7 चक्रास पर वर्क कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए,
और वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिए, आपको पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है, पानी जितना हो सके उतना पीना है यहाँ पे आप। और साथ में यहाँ पे जो मॉर्निंग की, जो आपको कल की रीडिंग में भी बताया था कि मॉर्निंग की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट होना है, यहाँ पे फ्रेश एयर से आपको कनेक्ट होना है। अगर अगर आपके घर के पास में कहीं गार्डन है तो वो भी आप जा सकते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस वक्त एक डिवाइन की फ्रेश एनर्जी की ज़रूरत है, जो आप जिस तरीके से भी ले पाए वो आप कर ले, ठीक है। और साथ में यहाँ पे अब आप इसमें, इस कार्ड में आज मुझे यहाँ पे देखिए मैंगो दिख रहे हैं, पीछे आम दिख रहे हैं, तो ये पके हुए आम है यहाँ पे, ठीक है, कुछ पके हुए आम है। तो पके हुए आम जो होते हैं वो मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है वो यही दिखाते हैं कि अब आपकी भक्ति जो है पक चुकी है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो आपकी तपस्या है, जो आपकी भक्ति है, जो आपका हार्डवर्क है, उसके यहाँ पे फ्रूटफुल ब्लेसिंग्स आने का समय अब आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लावर्स भी हैं, ब्लॉसमिंग फ्लावर्स है, पीछे यहाँ पे यमुना देवी के एक बहुत ही ब्राइट डिवाइन लाइट है, और डिवाइन लाइट की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। और साथ में यहाँ पे फिशेस भी हैं, जो फिश होती है वो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का सिंबल होती है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पे आपकी आ रही है, बट उसके पहले यहाँ पे आपकी सोल को यहाँ पे प्योरीफाई किया जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में अपने आप को ऐसे काम में इन्वॉल्व करना है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको जॉयफुल एनर्जी में रखे, ठीक है। अपना यहाँ पे अटैचमेंट आपको गॉड से रखना है, शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि अपना अटैचमेंट आप ईश्वर से रखें, उनसे रखें, बाकी आप लोगों से इस 3D में, 3D की चीज़ों में ना उलझे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस 3D में उलझेंगे यहाँ पे उतना ही आपको तकलीफ होगी, उतना ही आप और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आपको सोल लेवल पर सोचने की ज़रूरत है, चीज़ों को इस वक्त साक्षी भाव में रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद ब्रह्मा, तो यहाँ पे आपको शिव शक्ति ये कहना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका यहाँ पे सोल प्योरिफिकेशन चल रहा है, आपका आपकी लाइफ में पुरानी एनर्जीज, पुराने पैटर्न जो भी अभी तक आप फॉलो करते आए हैं वो यहाँ पे रिलीज़ किए जा रहे हैं, वो यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म किए जा रहे हैं आपके माइंड बॉडी सोल से, ठीक है। और साथ में यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो आपको ये एनर्जी, अगर आप इस वक्त लो एनर्जी में हैं, जिस भी तरीके की लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज में हैं, तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जी है, ओके, वही यहाँ पे मिररिंग हो रही है। तो ये जो सोल प्योरिफिकेशन चल रहा है, ये आपका और आपके काउंटर पार्ट दोनों का ही इस वक्त चल रहा है, ठीक है। आपकी मिररिंग हो रही है, तो हो सकता है उनकी एनर्जी भी आप यहाँ पे पिक कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये 10-10 नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये एक न्यू बिगनिंग को शो करता है और साथ में मिररिंग भी शो कर रहा है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि जो प्योरिफिकेशन चल रहा है वो यहाँ पे कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे लेकर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी का कार्ड है, तो शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है, एक क्रिएटिव फेज आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आप कुछ नया लर्न भी करने वाले हैं, और कुछ ऐसा जो आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में यहाँ पे हेल्प करेगा, आपके सोल पर्पस में यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। उसके लिए जो भी, जिस भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होगी वो शिव शक्ति यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो वो भी शिव शक्ति यहाँ पे दूर करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स की बात की, और यहाँ पे नरसिम्हा जी का कार्ड आया है अगेन, ये इस बात का कंफर्मेशन है कि अब आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मकता आपको रोकने की कोशिश करेगी यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, वो नेगेटिविटी का हश्र इस तरीके से होगा, उसका संहार इस तरीके से यहाँ पे शिव शक्ति करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आप नरसिम्हा जी का मारक मंत्र, नरसिम्हा जी का कवच कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप नरसिम्हा जी की एनर्जी से कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपको नरसिम्हा जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि भक्तों की सुरक्षा यहाँ पे स्वयं ईश्वर करते हैं, और ये कार्ड का आना इस बात का कन्फर्मेशन है। आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल फोर्सेस, यहाँ पे हर तरह की प्रोटेक्शन दी जा रही है, हर तरह की स्ट्रेंथ आपको दी जाएगी, हर तरह का करेज यहाँ पे आपको दिया जाएगा, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जस्टिस होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई उसके लिए आपको यहाँ पे न्याय दिया जाएगा, ऐसा शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं यहाँ पे। जब थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जब यहाँ पे नरसिम्हा जी हैं
तो आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स की हम मैसेज देख रहे हैं और शिव शक्ति यहाँ पे स्वयं आ चुके हैं। तो यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। आपका यहाँ पे शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस में हो रही है, आपका इमोशनल बैलेंस यहाँ पे हो रहा है, आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपका डिवोशन बढ़ रहा है और ये मिररिंग आपकी आपके काउंटर पार्ट के साथ भी हो रही है। ठीक है, ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, ये आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। अगर आप इस वक्त लो एनर्जी में हैं तो आपके पार्टनर भी इस वक्त इसी एनर्जी में है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपकी कुंडलिनी एनर्जी भी राइज हो रही है, तो यही रीज़न है कि आपको इस वक्त कुछ लो एनर्जीज, कुछ पर्जिंग यहाँ पे आपको फील हो सकती है। आपके कुछ चक्रास में आपको कुछ अलग सा सेंसेशन या फिर कुछ नेगेटिविटी जैसा आपको फील हो सकता है। ठीक है, बट ये नेगेटिविटी नहीं है, ये चक्रास की क्लिनजिंग है आपके, और यहाँ पे आप दोनों की ही क्लिनजिंग चल रही है, सोल प्योरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, और ये शिव शक्ति का आशीर्वाद है। यहाँ पे ये डेस्टाइंड कनेक्शन है, आपको आपने जिस भी तरीके से मैनिफेस्ट किया है अपने कनेक्शन को, उस तरीके का यहाँ पे आपको आपको इस कनेक्शन में ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके, उस तरीके की यूनियन रीयूनियन आपका यहाँ पे होगा, बट आपको यहाँ पे अपने अपने ऊपर फोकस रखना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है, डिटैचमेंट आपको स्टार्टिंग में ही शिव शक्ति ने कहा है कि डिटैचमेंट फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी नहीं होना है कि कब होगा, कैसे होगा, मेरे पर्सन कब आएंगे, कब अनब्लॉक करेंगे, कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे। आपको इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं शिव शक्ति आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। आपका यूनियन तो डेस्टाइंड है, ठीक है, उसे कोई नहीं रोक सकता है वो, लेकिन जब डिवाइन टाइम होगा तब यहाँ पे होगा, और डिवाइन टाइम लाने के लिए आपको खुद पर वर्क तो करना ही होगा। और यहाँ पे एक मैसेज मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, जो कि अगर आप यहाँ पे न्यूली अवेकन है, आप न्यूली यहाँ पे अगर शिव शक्ति की जर्नी में आपने अभी एंटर किया है, आप अभी इस वक्त आपको पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है रिसेंटली, आपको शिव आपको यहाँ पे और महिषासुर मर्दिनी स्रोत है वो आप ज़रूर सुने। ठीक है, वो डेली आप सुने, मॉर्निंग में जब भी सुन सकते हैं, अपने दिन की शुरुआत करने के समय ही आप उसे सुने। और गजेंद्र मोक्ष स्रोत वो आप दोनों, ये दोनों ही चीज़ें आप ज़रूर सुने। ठीक है, और प्रोटेक्शन ज़रूर लें बजरंग बाण दुर्गा कवच के द्वारा, आप वीडियो से भी सुन सकते हैं। ठीक है, वीडियो से ही ये आप सुनेंगे तो भी वो वर्क करेगा, बट आपको ये सुनने की ज़रूरत है। और उसके साथ यहाँ पे शिव शक्ति आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप जो भी काम करेंगे, आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी करने की सोचेंगे, उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, वो शिव शक्ति वो जो भी काम होगा अगर आप प्योर इंटेंशन के साथ करेंगे यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे कुछ भी और ऐसे हैं जो दूसरों के लिए भी करना चाहते हैं, तो जब आप इतने प्योर इंटेंशन के साथ करेंगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। शिव शक्ति आपके साथ हैं, साथ में यहाँ पे आपके, देखिए अभी आपको कहा ही था कि आपको पर्जिंग हो सकती है, कुछ नेगेटिविटी फील हो सकती है, तो ये नेगेटिविटी नहीं है, ये आपके काउंटर पार्ट की ही एनर्जी है। तो दोनों ही तरफ ये चीज़ें चल रही हैं, दोनों ही तरफ ये प्योरिफिकेशन, ये क्लिनजिंग चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि क्लिनजिंग का प्रोसेस है, बहुत बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस ख़त्म होगा और आपकी लाइफ में फिर से एक फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस फिर से आएगी। ओके, आपको इसमें परेशान नहीं होना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है इस वक्त, ये आपकी सिर्फ सोल प्योरिफिकेशन चल रही है, हीलिंग का प्रोसेस है। ओके, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो भी इश्यूज हैं जो आ रहे हैं, और उन्हें रिलीज होने दीजिए। महेश्वर ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, तो आपकी लाइफ में देखिए शिव शक्ति पीस लेकर आ रहे हैं, हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, बट उसके पहले यहाँ पे जो क्लिनजिंग का प्रोसेस है वो होना ज़रूरी है, वो होने के बाद ही यहाँ पे आपकी लाइफ में ये जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस मोड में आ पाएंगे। ठीक है, इनको यहाँ पे लेने के लिए रेडी हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए शिव शक्ति की रीडिंग, शिव शक्ति के मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और साथ में मुझे आपको ये भी कहा जा रहा है, शिव शक्ति आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में या फिर आप अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स अभी तक आ रहे थे, ठीक है, जो किसी भी तरीके से आ रहे थे नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू या फिर कार्मिक एनर्जीज़ के थ्रू, तो वो सभी एनर्जीज़, वो सभी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर रिमूव किए जा रहे हैं। ठीक है, आप
जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे रिमूव किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वयं नरसिम्हा जी आए हैं। यहाँ पे नरसिम्हा जी की एनर्जी, यहाँ पे नरसिम्हा जी की शक्ति आपके साथ है हर वक्त साथ में। यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, त्रिदेव की शक्ति आपके साथ है, अर्ध नारेश्वर की शक्ति आपके साथ है, माँ काली की शक्ति आपके साथ है। ठीक है, जब इतनी शक्तियाँ आपके साथ इस वक्त काम कर रही हैं तो कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती है। बस आपको फोकस रखना है अपनी हीलिंग पर, अपने हीलिंग प्रोसेस पर। ठीक है, जितना आप अपने आप को हील करेंगे उतना ही जल्दी आप रिकवर हो पाएंगे। कर्म आपको करना ही होगा। ओके, ये ईश्वर तो आपके साथ है ही, लेकिन अपने कर्म भी आपको करने होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग आपके लिए, शिव शक्ति की बहुत ही प्यारी रीडिंग, बहुत ही प्यारे मैसेजेस और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।